सबसे फास्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें फर्स्ट इंडिया यूट्यूब और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। की शुरुआत करते एक बड़ी खबर के साथ, झालावाड़ से खबर है मनोहर थाना से, जहां पर सरपंच चुनाव के बाद खाताखेड़ी पंचायत में हंगामा हुआ। दोनों पक्षों के समर्थक आमने सामने आ गए। ग्रामीणों ने मनोहर थाना अधिकारी पर हमला भी किया। घायल थाना अधिकारी को झालावाड़ रेफर किया गया। तो पुलिस पर हमला किया है लोगों ने। मनोहर थाना पंचायत समिति की ग्राम पंचायत खाताखेड़ी में यह घटना सामने आई है। तो दो समर्थकों के गुट आपस में भिड़ गए, जिसके चलते काफी संख्या में यहां पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। मनोहर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने भीड़ को भगाने के लिए हल्का बल भी प्रयोग किया, जिस पर ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया और इस पर थाना अधिकारी अजय मेघवंशी के सिर पर चोट लगी है और मनोहर थाना स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के लिए उनको ले जाया गया, जहां से उन्हें झालावाड़ रेफर किया गया। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी आरिफ जुड़ गए। आरिफ, अपडेट क्या है, स्थिति कैसी वहां पर? इसमें आपको बताना चाहता हूँ, पंचायत चुनाव भी खत्म हुआ पहला दौर का, इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में झड़पें शुरू हो गई। बात करें मनोहर थाना क्षेत्र के, जहाँ पर गांव में दो गुटों में आपसी झड़प हो गई, यहाँ पत्थरबाजी हुई। काफी देर तक पत्थरबाजी होती रही, दौरान ही मनोहर थाना पुलिस वहां पर मौके पर पहुंची, समझाइश की कोशिश की। इस दौरान भारी मात्रा में कुछ पत्थरबाजी दौरान जो वहाँ के थाना अधिकारी है अजीत मेघवंशी, उनके सर पे चोट आई है, साथ ही 3-4 पुलिसकर्मी है उनके मामूली चोट आई है। कह सकते हैं चुनाव पंचायत के दौरान ही ये सारा मामला हुआ और समझाइश के दौरान ही मामला देखने को मिला। हालांकि भारी संख्या में पुलिस गांव पे पहुंच गई है, गांव में जगह जगह दबिश दी जा रही है आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए, लेकिन कोई भी पुलिस आरोपी पुलिस के हाथ में अभी तक नहीं आया। सभी ग्रामवासी गांव छोड़कर भाग गए। आरिफ, अब तक पुलिस की तरफ से मामला कितने लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया? जो थाना अधिकारी अजीत मेघवंशी, उनको सर में काफी गंभीर चोट आई है, उनको झालावाड़ रेफर कर दिया गया। अभी कुछ देर पहले ही वो झालावाड़ पहुंचे अस्पताल में। अब कितने लोगों के मुकदमे दर्ज किए, अभी मामले कुछ भी कहना बताना मुश्किल है, क्योंकि भारी संख्या में पत्थरबाजी हो रही, दोनों तरफ झड़प है। इस दौरान ही पुलिसकर्मी वहां पर पहुंचे थे। हालांकि बताया जा रहा है कि 2 दर्जन से अधिक लोगों का मामला दर्ज किया जा सकता है, क्योंकि बड़ी संख्या में थे और 3 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। थाना अधिकारी कुछ गंभीर घायल हुए हैं, बाकी 3 गंभीर जो पुलिसकर्मी घायल हुए हैं उनको प्राथमिक चिकित्सा के बाद छुट्टी दे दी गई है और थाना अधिकारी को झड़गढ़ चिकित्सालय में लाया गया है, जिनका इलाज जारी है। अच्छा, अभी वहां पर क्या तनाव की स्थिति है या सब कुछ सामान्य हो गया है? ये दो जो नेता थे उनके समर्थक जो भिड़े हैं, क्या उनकी तरफ से कुछ कहा गया या वो भी फरार है यहाँ पर? बिल्कुल, गांव में सन्नाटा पसरा पड़ा है, कोई गांव में आदमी एक आदमी व्यक्त नहीं है। कह सकते हैं स्कोप ज्यादा है सभी की, पुलिसकर्मी पे जिस तरह हमला हुआ है, इसके बाद भारी संख्या में पुलिस वहां पर पहुंची है। इस दौरान एक भी पुलिसकर्मी वहां पर नहीं गांव में, न पुलिसकर्मी पहुंचा है न गाँव में वसी है, बिल्कुल सन्नाटा पसरा है और गांव वाले जो इस डर के मारे भाग गए हैं। कह सकते हैं कि पुलिस वाले अब जगह जगह दबिश दे रहे हैं, मकानों की तलाश कर रहे हैं ताकि उन आरोपी को पकड़ सके, कौन आरोपी था जिसने पत्थरबाजी की। क्योंकि सरपंच चुनाव के कल ही निपटा था ये मामला, इसके बाद कल से ही दो गुटों में आपस में झड़प की बातें चल रही थी, इस दौरान ही ये सारा मामला हुआ। 9-10 बजे की बात है, ये सवेरे जो चाय की दुकान पर खड़ी के बाद थी, इस दौरान ही सारे पुलिसकर्मी वहां पर पहुंचे थे, क्योंकि काफी समय से वहां पर तनाव की स्थिति है। समय जब पुलिसकर्मी वहां पर पहुंचे तो दौरान उनको पत्थरबाजी हुई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ तमाम जानकारी के लिए। तो कुल 3 पुलिस वाले घायल हुए हैं, जिसमें थाना अधिकारी की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो ये चुनावी रंजिश जिसकी वजह से दो गुट आमने सामने आ गए।